शिक्षकों की मांग है कि उन्हें सीधे सीधे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। पिछले दिनों वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद, सीएम नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने आंदोलन स्थगित कर दिया कि वार्ता होगी सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच, लेकिन अभी तक उस वार्ता का कोई अता पता नहीं है। तो वार्ता का आखिर क्या हुआ, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। शिक्षक संगठनों को बेसब्री से इंतजार है कि कब उन्हें निमंत्रण मिलेगा सीएम नीतीश कुमार का और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। जाएंगे, वार्ता करेंगे और सीधे सीधे उनसे कहेंगे कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए बीपीएससी की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मांग सीधी सीधी यही है कि वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में जिस तरह से शिक्षक संघों ने कमर कस रखा है, लेकिन सरकार के वादे के बावजूद अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। तो ऐसे में जो माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा है उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं, और वैसे में शिक्षकों के संघर्ष मोर्चा के जो बड़े नेता हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, पहले सुन लीजिए आप। फिर आज हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को याद दिलाया है कि आप हमको सूचित कीजिए, तो कहा जो मुहर्रम का संसदीय मामला है दो दिनों के बाद, फिर हम सकारात्मक रूप में बैठक आयोजित करेंगे। आज भी कुछ हमारे विधायक उनसे मिलने के लिए गए थे, तो हम तो इसी आशा में हैं। और निश्चित तौर पर जो आंदोलन है इसका सम्मान करना चाहिए महागठबंधन की सरकार। हम बार बार डॉक्टर लोहिया को कोट करते हैं कि उन्होंने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए जमहूरियत की हिफाजत के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन पहली शर्त है। सरकार की आंखों में उंगली डाल के कि तुम्हारी नीतियाँ शिक्षक विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, इसलिए तुम इसमें संशोधन करो और राजकर्मी का दर्जा दो। तो सुन लिया आपने कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो देना ही होगा। रही बात वार्ता की, तो ऐसे में उन्होंने जब निमंत्रण नहीं मिला है तो सीधे मंत्री जो है संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से बातचीत की है, और विजय चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि मुहर्रम के बाद कभी भी शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया जा सकता है, यानी मुहर्रम के बाद बैठक हो सकती है, ये बात कह रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जैसा कि उन्हें मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है। इस मामले पर आखिर सियासत तो होनी तय थी, मानसून सत्र के बाद बैठक होने की बात थी, मानसून सत्र बीते काफी दिन हो गए, और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं मिला शिक्षकों को। शिक्षक इंतजार करते ही रह गए, और अब शिक्षक नियुक्ति में इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जो अपील की थी, जो वादा किया था कि बैठकर वार्ता करेंगे, उसकी याद दिला रहे हैं शिक्षक। तो इस संबंध में जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं सुनील कुमार, उनका कहना है कि जल्द बैठक की तारीख तय कर ली जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार, सुन लीजिए आप। कि शिक्षा नीतीश सरकार का प्राथमिक एरिया है, फोकस एरिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो, चाहे शिक्षकों की बहाली हो बड़े पैमाने पर, चाहे शिक्षकों के हितों की रक्षा बात करनी हो, सारे तरफ हम प्रयासरत हैं। और जहाँ तक शिक्षक नेताओं से बात करने की बात है, अगर वो ज़रूरत होगी सरकार देखेगी और उसको सरकार देखेगी, उससे बातचीत करेगी, क्योंकि शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण पहिया है हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के, तो वो भी एक पहिया है, वो होगा अपने समय पर होगा, उसको लेके किसी प्रकार का किसी शिक्षकों में रोष नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों का हित भी सरकार के प्राथमिक एरिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और इसमें सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक कड़क अफसर की पोस्टिंग हुई है,
जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अपना कारगर होंगे। हर तरह से सामंजस्य सरकार चल रही है, क्योंकि मानव संसाधन हमारे बिहार की पूंजी है। हमारे पास झारखंड के बंटवारे के बाद कोई मिनरल तो बचे नहीं, तो हमारी कैपिटल जो हमारी पूंजी है वो मानव संसाधन है। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, सारे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में नाम करते हैं, और इसी ढंग से हमारा कैपिटल है कि बिहारी टैलेंट के बारे में हर जगह ये मशहूर है। तो सुन लिया आपने कि कह रहे हैं कि जल्द बैठक की तारीख तय कर ली जाएगी। इस मामले पर जहां जेडीयू खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है और आरजेडी मीटिंग में हो रहे विलंब के पीछे सरकार की व्यस्तता बता रही है। जी हां, आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं एजाज अहमद क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। तो इंसाफ का बात है, उस इंसाफ के लिए सरकार हमेशा तैयार है और इसके लिए बैठक भी होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी समय का निर्धारण करके सारे लोगों को सूचित कर देंगे। चूँकि सबको पता है कि अभी व्यस्तता है, व्यस्तता के कारण वो इस मामले में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जो सरकार का संकल्प है कि शिक्षकों को और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी सरकार जो कार्य करना चाहती है उसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो सुन लिया आपने कि उनका कहना है कि सरकार व्यस्त है, सीएम व्यस्त हैं, मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए शिक्षकों से वार्ता नहीं हो पा रही है, लेकिन इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वार्ता जल्द होगी। जैसा कि शिक्षक संघ के नेता बता रहे हैं, मुहर्रम के बाद भरोसा दिया गया है कि वार्ता होगी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि तमाम तरह के सस्पेंस अभी भी बने हुए हैं। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है, परीक्षा का फॉर्म भी भरा जा चुका है। सूबे के 4 लाख शिक्षकों में 3 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों ने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है और उन्होंने साफ कहा है कि सीधे सीधे उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। वैसे में तमाम तरह के सस्पेंस फिलहाल बने हुए हैं, आगे क्या होगा, कब न्योता मिलेगा और न्योता मिलने के बाद सरकार जो वार्ता करेगी उसका क्या होगा, ये तमाम बातें अभी फिलहाल पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं। बने रहिए कशिश सिंह न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।